हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स मेक विद स्वीटी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पीनट बटर की रेसिपी। सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप घर पे पीनट बटर बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल एकदम पैकेट जैसा। तो आप घर पे जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो पीनट बटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 200 ग्राम मूंगफली। पीनट बटर बनाने के लिए आप किसी भी मूंगफली का यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पास में अवेलेबल हो जाए। तो अब आपको क्या करना है, आपको एकदम लो फ्लेम पे मूंगफली को भून लेना है। तो ये देखिए, मूंगफली बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है। आप मूंगफली का कलर देख के ही समझ गए होंगे कि कितने अच्छे से परफेक्टली भुन चुकी है। छोटे छोटे से आपको डॉट्स भी दिख रहे होंगे। तो अब मूंगफली भी हमारी भुन चुकी है, तो अब आपको मूंगफली को बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देना है। तो अब मूंगफली भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो अब आपको क्या करना है, आपको जो मूंगफली के ऊपर का जो छिलका होता है वो इस तरह से निकाल लेना है। तो मूंगफली का छिलका निकालने के लिए मैंने इसे कपड़े में डाल दिया है। अब आपको इस तरह से रगड़ रगड़ के जो मूंगफली का छिलका है वो निकाल लेना है। तो ये देखिए, सारे छिलके अच्छे से निकल चुके हैं। अब आपको जो मूंगफली का जो छिलका होता है वो हटा देना है, और मूंगफली के छिलके को बस हटा देने के बाद आपको मूंगफली को मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है। अब हम मूंगफली को पीसना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार में आपको इसको बहुत ज्यादा नहीं पीसना है, 20 से 30 सेकंड के लिए बस आपको मूंगफली को पीसना है। फिर आपको इसको फिर से खोल के इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करने के बाद फिर आपको इसको पीसना है। एक बार में आपको बहुत ज्यादा नहीं पीसना है, बस 20 से 30 सेकंड के लिए पीसना है, और बार बार इसे कलेक्ट करते जाना है। तो बार बार वही वाली प्रोसेस रिपीट करते रहने के बाद जो हमारा पीनट बटर है वो इस तरह से बनने लगेगा। जब पीनट बटर इस स्टेज में आ जाए तब आपको इसमें 2 से 3 चम्मच मिला देना है हनी, और हनी मिलाने के बाद आपको इसको फिर से मिक्स कर देना है, और बस हमारा पीनट बटर बनके रेडी हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो इसमें हनी की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा सॉल्टी चाहिए तो आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब बस आपको पीनट बटर को किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रखना है, और ये 2 से 3 महीने के लिए चल जाएगा। तो देखा आपने घर पे पीनट बटर बनाना कितना ज्यादा ईजी है, और ईजी होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा सस्ता भी पड़ता है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।